हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ माय गर्लफ्रेंड। एपिसोड 5 तक की वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। वेल, एपिसोड 5 में हमने देखा था कि जीशिन और डेंग चोरों की रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि तभी उनका स्विंग रुक जाता है। इधर सब परेशान होते हैं। चैन जैंग जीशिन को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका फ़ोन नहीं लगता है। जीशिन कहता है ये शायद छोटी सी गड़बड़ की वजह से रुक गया होगा, डोंट वरी। डेंग चोरों जीशिन से कहती है क्या तुम्हें नींद नहीं आती है? तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो शोरो कहती है जब किसी इंसान को नींद नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो किसी और के सपने में है। तो जीशिन कहता है थैंक्स मुझे बताने के लिए। तो शोरो कहती है जब मैं छोटी थी तो मुझे फेरिस व्हील की सवारी करने में बहुत डर लगता था, मुझे नीचे गिरने का डर था। तो जीशिन पूछता है और अब? तो शोरो कहती है मुझे अब भी डर लगता है। तो जीशिन कहता है क्यों? तो शोरो कहती है क्योंकि फेरिस व्हील जैसी जगह उन दो लोगों के लिए बनाई गई है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो एक साथ मिलकर आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं एक मीठी कैंडी की तरह। तो जीशिन कहता है क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कैंडी हमेशा मीठी ही हो? तो शोरो कहती है मीठी हो या कड़वी, ये सब प्यार के स्वाद हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने ये चखे हों और इस तरह एक याद हमारी लाइफ में हमेशा रहती है और तुम्हारा थैंक्स। तो जीशिन कहता है थैंक्स क्यों? तो शोरो कहती है इस प्रोग्राम में पार्ट लेने से पहले मैं अपनी कैंडी की तलाश खत्म करने वाली थी, लकीली मैंने उसे नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा थैंक्स। तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए मेरे लिए एक अच्छा मेलमेट चुना है। कम से कम मुझे इस शो में एक कभी ना भूलने वाली याद तो हमेशा मिली है। अगर मैं रिजेक्ट हो भी जाऊँ तो मैं हमेशा याद के साथ रहूँगी। तो जीशिन डेंग शोरो की बात सुनकर इम्प्रेस होता है। वेल, इधर सब परेशान होते हैं और कर्मचारी को बुलाते हैं तो वो कहता है परेशान मत हो, ये एक घंटे में ठीक हो जाएगा। इधर डेंग शोरो जीशिन से कल रात के बारे में पूछती है और कहती है हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? तो जीशिन उसको बताने ही वाला होता है कि उनका फेरिस व्हील हिलता है। तो शोरो को नींद आ जाती है और वो सो जाती है जीशिन की बाहों में। वेल, यहाँ इन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन देखने को मिलता है और इनका फेरिस व्हील ठीक हो जाता है। तो जीशिन शोरो को लेकर आता है एक हीरो की स्टाइल में और यहाँ शोरो को उसका को स्टार ले लेता है चैनजा। जीशिन अपने एम्प्लॉय से कहता है नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करो। इधर शोरो उठती है और कहती है मैं हमेशा की तरह सो गई थी और कहती है जब कोई स्पेशल मोमेंट आता है तो मुझे नींद आ जाती है। इधर जीशिन आता है और कहता है नेक्स्ट शूट के लिए रेडी रहो। वेल, आगे जीशिन डेंग शोरो को डायलॉग के बारे में समझाता है और कहता है जब तुम अपने प्यार का इजहार करोगी तो आसमान में क्रैकर से रोशनी होगी और फायरफ्लाइज होंगे तुम्हारे चारों ओर। वेल, इधर चार सारे एम्प्लॉयज डेंग शोरो के बारे में दाव लगाते हैं और कहते हैं हमें लगता है कि वो फिर से रिजेक्ट होगी। तो जीशिन आता है और चैन जैंग उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है हम सब दाव लगा रहे हैं, हमें लगता है कि वो इस बार भी रिजेक्ट होगी, बॉस आप भी दाव लगाइए। वेल, इधर डेंग शोरो की ड्रेसर उसको रेडी करती है तो वो शोरो से कहती है तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और उससे कहती है तुम्हारे इस शूट में क्या होने वाला है। तो शोरो कहती है क्रैकर्स और फायरफ्लाइज और लाइट्स वगैरह हैं। वेल, आगे उनका शूट स्टार्ट होता है तो डेंग शोरो चैन जैसे कहती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, मैं अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल और स्पेशल डे तुम्हारे साथ बिता रही हूँ। तो चैनजा कहता है शोरो मैं तुम्हारा रेनबो हूँ और कहता है शोरो मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें हमेशा समझाएगा कि ये श्राप कुछ नहीं होता है, ये श्राप अभिशाप सब गलत है, तुम्हें खुशी और प्यार मिलेगा, वो दिन अब आ रहा है और वो इंसान तुमसे सिर्फ एक मीटर दूर है। तो चैनजा कहता है आज मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और साथ में तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ कि मैं लास्ट 25 ईयर्स 70 डेज तुमसे नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे लिए पूरा करने के लिए कुछ बनाया है। तो वो अपना हाथ आगे करता है कि तभी नकली बर्फ गिरने लगती है। इधर चैन जैंग कहता है बॉस नकली बर्फ तो हमारे शूट का पार्ट नहीं है। तो जीशिन कहता है इसे जारी रहने दो और इधर शोर बहुत खुश होती है और इन्जॉय करती है। तो चैनजा कहता है तुमने अपनी लाइफ में दो चीज़ों को कभी नहीं छुआ है, एक बर्फ और दूसरा प्यार, तुमने बर्फ को तो अभी अभी छुआ है, अब क्या तुम प्यार को छूना चाहती हो? तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो शोरो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो फिर से सो जाती है। और गाइस,
ये फनी पार्ट ये है इस ड्रामा का कि वो स्पेशल मोमेंट आने पर सो जाती है और चेंजा उसको संभाल लेता है। वेल नेक्स्ट डे वो अपने लव कैफे आती है और अपने लव कन्फेशन के बारे में सासा और मिंजू को बताती है। तो सासा कहती है, तुमने रियली अपना लव कन्फेशन कर दिया और तुम पर जो श्राप था वो हट गया। मिंजू कहती है, अगर हम इंतज़ार करते हैं तो हमें खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं। तो सासा कहती है, जैसे तुम और चेंजेंग। वेल सासा शोरो से कहती है, भगवान का शुक्र है तुम पर से श्राप हट गया। तो शोरो कहती है, मुझे चीशिन को थैंक्स कहना चाहिए, उसने अगर मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नहीं किया होता तो शायद मैं अभी तक श्रापित रहती। तो सासा कहती है, क्या उस शो में तुमसे रियलिटी शो में इजहार हुआ है? तो शोरो कहती है, उस शो के बाद मुझे उसने कॉल नहीं किया है। तो सासा और मिंजू कहते हैं, मुझे लगता है उसने तुमसे लव कन्फेशन सिर्फ रियलिटी शो में ही किया है। तो शोरो कहती है, उस प्रोग्राम के बाद वो गायब ही हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मुझसे इजहार सिर्फ मुझ पर दया खाकर किया हो और वो अपसेट हो जाती है। तो मिंजू कहती है, अपसेट मत हो, शायद वो काम में बिजी होगा। तो शोरो कहती है, मुझे दिलासा मत दो, मुझे पता है श्राप तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो सासा कहती है, ये आसान है, उससे पूछो और हमें पता चल जाएगा कि ये टूटा है या सिर्फ ये एक शो के लिए था। इधर चीशिन उसके एम्प्लॉय के साथ में प्रोग्राम की एडिटिंग करता है, तभी उसकी एक एम्प्लॉय आती है और कहती है, बॉस कुछ गड़बड़ है। वेल इधर शोरो चेंजा को मैसेज करने के लिए कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या टाइप करे और कहती है, कल भेजना ठीक होगा। इधर चेंजा अपने ऑफिस आता है और इधर शोरो बार बार अपने फ़ोन को देखती है जब भी वो कोई काम करती है, तो चेंजा को एक मैसेज या कॉल करके उसका वेट करती है और तभी उसको लूसी का एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो कहती है, मैं तो भूल ही गई कि शराब के अलावा एक और बोझ है मेरी लाइफ में जो मुझे उठाना है। वेल इधर चेंजा लूसी से मिलने के लिए आता है तो लूसी चेंजा से कहती है, मेरे पास जीवी कंपनी की तरफ से कुछ कमीशन है, इसे एक बार देख लो, उन्हें एक अच्छे विंडो डिज़ाइनर की ज़रूरत है। तो चेंजा कहता है, मेरे पास एक अच्छी डिज़ाइनर है। तो लूसी कहती है, वो कौन है? तो चेंजा डिंग शोरो का नाम लेता है। तो लूसी कहती है, नहीं, मैंने उसकी डिज़ाइन देखी है, मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगी। तो चेंजा कहता है, वो कर सकती है। तो लूसी कहती है, मैंने कहा नहीं, मैं लीडर हूँ, तुम नहीं, बाहर जाकर अपना काम करो। इधर डिंग शोरो अपनी ऑफिस आती है तो वो फिर से छुपती है तो उसकी सोल कहती है, डिंग शोरो तुम किस चीज़ से डर रही हो? तो शोरो कहती है, नहीं। तो सोल कहती है, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? तो शोरो कहती है, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो चेंजा से मिलूंगी। तो उसकी सोल कहती है, डरो मत, लूसी ने तुम्हें बुलाया है, तुम बस उसको हेलो बोल कर चले जाना। इधर उसकी दूसरी सोल कहती है, चेंजा ने तुम्हें प्रपोज किया था, क्या वो सच था या सिर्फ प्रोग्राम? तो उसकी फर्स्ट सोल सेकंड सोल से कहती है, कुछ भी हो लेकिन आसमान गिरने वाला नहीं है। वेल ये दोनों यहाँ पर बहस करती हैं और ये सोल वाला फनी सीन बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ शोरो इनका झगड़ा देखकर परेशान होती है। इधर चीशिन अपने प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आता है और कहता है, प्यार के लिए मेरी सोच एक हीरे की चमक की तरह है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रोग्राम को दोबारा दिखाने की ज़रूरत है, एक बार मेरी प्लानिंग्स को देख लीजिए। वेल इधर शोरो अपने ऑफिस में छुपते छुपते अंदर आती है तो लूसी कहती है, शोरो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि कैफे पे मैं मेरा वेट करना, चलो मेरे साथ। इधर चीशिन के एम्प्लॉयज़ कहते हैं, बॉस कैसा चल रहा है सब? वी होप हमें फिर से शूट ना करना पड़े। तो चीशिन कहता है, हमारे प्रोड्यूसर ने हमें फिर से शूट करने के लिए कहा है। तो उसके एम्प्लॉयज़ कहते हैं, बॉस हमारे पास दोबारा शूट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो चीशिन कहता है, मैं हैंडल कर लूँगा। तो उसके एम्प्लॉयज़ कहते हैं, ठीक है। वेल आगे चीशिन और शोरो घर आते हैं तो चीशिन शोरो से कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो शोरो कहती है, किस लिए? तो चीशिन कहता है, हमें कल फिर से शूट करना है, आ जाना कल सुबह, एड्रेस मैं तुम्हें बता दूंगा। तो शोरो कहती है, मुझे एक डिज़ाइन चेंज करना है। तो चीशिन कहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और चेंजा भी वहाँ आएगा। तो शोरो कहती है, चीशिन शोरो से कहता है, रेडी रहना, अपना मेकअप खुद करके आना, कल कोई मेकअप डिज़ाइनर नहीं आएगा, बिना मेकअप के मत आना। वेल आगे डिंग शोरो अपना मेकअप करने की प्रैक्टिस करती है और चीशिन अपने रूम में नूडल्स खाता है और दोनों रेस्ट करते हैं। वेल एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।